Hello everyone, welcome back to Science Tutorial 04. So in this video, I'm going to begin with the first chapter of class 10th biology, jo ki hai cell, the structural and functional unit of life. Before starting this video, पहले मैं explain करूँगी कि basically ये जो chapter का नाम है, what it is trying to explain to us. तो जो cell है, यानी कि आज की ये video होने वाली proper introduction for this chapter. तो ये जो cell है, ये structural and functional unit of life है. इसका क्या मतलब है, जो cell है, structural unit of life कैसे है? स्ट्रक्चरल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेल है वो बेसिकली इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज ट्राइंग टू से दिस, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ दिस यूनिट, दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज द सेल. ठीक है, देन हाउ इट इज इट फंक्शनल, ईदर इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और any function of our body, cells plays the complete, where cells plays the very very important role. चाहे reproduction की बात हो, चाहे respiration की बात हो, चाहे body के urination system हो रहा और even कोई भी system हो ना body का, उसके लिए cells are responsible for that. ठीक, cells अब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, on the basis of number of cells, they are of three types. ठीक, unicellular और ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ठीक, यूनिसेल्यूलर, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर. यानी कि यूनिसेल्यूलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें केवल एक सेल, दैट आर दोज आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेल, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, क्लेमाइडोमोनास, ऑल दीज आर बैक्टीरिया, यीस्ट, ऑल दीज कम्स अंडर द यूनिसेल्यूलर कैटेगरी. देन फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, स्पायरोगायरा, देन वॉलवॉक्स, ऑल दीज कम्स अंडर फ्यू सेल्ड, जिनमें जो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर नहीं बने होते, 100 to 200, जस्ट बहुत कम सेल्स से मिलकर बने होते. एंड मल्टी सेल्यूलर में तो भाई हमें पता है कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम लोग कह सकते हैं वो आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में. एक और चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यूज. Tissues combines to form organs. Like जैसे tissues combine हुए तो form किया heart, form किया lungs, liver. ठीक, then organs combine to form organ system. Organ system like heart से related है तो circulatory system, kidney से related है तो excretory system, lungs से related है तो लंग्स रिलेटेड है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक, एंड ऑर्गेन सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म्स द ऑर्गेनिजम्स. ऑल राइट, सो ये पार्ट था जो कि आज के इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए सफिशियंट था. शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड योर डियर वन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.